आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं फ्लूड मैकेनिक्स एंड फ्लूड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन में स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है इसके बारे में। आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक टरबाइन की विशिष्ट गति, स्पेसिफिक स्पीड मतलब विशिष्ट गति। ठीक है, तो विशिष्ट गति क्या होता है ना। हम पहले जब हम टरबाइन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बहुत बार ये टर्म्स आया कि स्पेसिफिक स्पीड इतना होना चाहिए। तो स्पेसिफिक स्पीड किसी टरबाइन के लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये ऐसा स्पीड होता है ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन के लिए जो क्या करता है, एक यूनिट पावर और एक यूनिट हेड पे होता है। मतलब स्पेसिफिक स्पीड क्या है, टरबाइन की वह स्पीड, और किस तरीके की टरबाइन, ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन की वह स्पीड होती है जो इकाई शक्ति और इकाई शीर्ष पर हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट पावर आपको रखना है और यूनिट हेड रखना है, और इस हेड पे उस टरबाइन का जो स्पीड होगा वो स्पेसिफिक स्पीड होता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन का मतलब ये है कि जिस टरबाइन का हम स्पेसिफिक स्पीड निकाल रहे हैं उसके शेप है ना, शेप आकार आकृति या उसके ब्लेड के एंगल्स या गेट ओपनिंग होने का जो टाइमिंग है, ये सब क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब एक समान होना चाहिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तब उस केस में यूनिट पावर और यूनिट हेड पे जो स्पीड होगा टरबाइन का वो स्पेसिफिक स्पीड कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड को हम NS से डिनोट करते हैं, और NS स्पेसिफिक स्पीड के लिए एक डेरिवेशन है। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन के लिए इक्वेशन है, NS इज इक्वल टू होता है N अंडर रूट पी अपान H टू द पावर 5/4। ये इक्वेशन है स्पेसिफिक स्पीड के लिए। यहाँ पे N क्या है, टरबाइन के शाफ्ट का RPM है, रोटेशन पर मिनट। पी क्या है, पावर ऑफ द टरबाइन है, टरबाइन की शक्ति। और एच क्या है, हेड है उस टरबाइन के लिए, ठीक है। यहाँ पे एन आरपीएम होता है, और पावर जो है वो अलग अलग यूनिट के हिसाब से। अगर आप एम के एस में लेंगे तो इस पावर को आपको हॉर्स पावर में रखना होगा, है ना। अगर आप इसको एसआई यूनिट में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पावर का यूनिट किलोवाट में रखा जाता है, और एच का यूनिट मीटर में यहाँ पे रखना है, तब आपको जो प्राप्त होगा वो स्पेसिफिक स्पीड आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक स्पीड या विशिष्ट गति है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जब हम टरबाइन का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे टरबाइन सिलेक्शन करने में स्पेसिफिक स्पीड एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ना। इसीलिए इस स्पेसिफिक स्पीड को आपको लेना ज़रूरी रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है, अगर पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए ये वैल्यू 0 से 50 के बीच में रहता है। 0 से 30 कब होगा, जब सिंगल जेट लगा हो पेल्टन व्हील टरबाइन में, और 30 से 50 कब होगा, जब ये आप एक से ज़्यादा जेट लगा हो। तो जनरल वे में हम बोल सकते हैं कि इसका 0 से 50 तक का वैल्यू होता है पेल्टन व्हील के लिए स्पेसिफिक स्पीड का वैल्यू। एम के एस में कुछ अलग वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ही फ्रांसिस टरबाइन के लिए ये स्पेसिफिक वैल्यू जो होता है, स्पेसिफिक स्पीड का वैल्यू, ये 50 से 250 के बीच आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू लिया 50 से 51 से 225, मोटे मोटे तौर पे इसको हम 50 से 250 के बीच लेते हैं। वैसे कैप्लान टरबाइन या प्रोपेलर टरबाइन के लिए स्पेसिफिक स्पीड होता है 250 से 850 के बीच, ठीक है। तो ये अलग अलग वैल्यू होता है ना टरबाइन के लिए, ठीक है। अब जब हम टरबाइन को सिलेक्शन करते हैं तो बहुत सारे बेसिस होते हैं सिलेक्शन करने के लिए। तीन प्रकार के हमने टरबाइन पढ़ा हुआ है, पेल्टन, फ्रांसिस और कैप्लान। तो उन टरबाइन को सिलेक्शन कैसे करें, सिलेक्शन मतलब उसका यूज़ कैसे करें, कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना है तो कौन सा टरबाइन यूज़ करना चाहिए, इसका सिलेक्शन करने के लिए 7 फैक्टर हैं। हेड के हिसाब से हम लोग टरबाइन सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं, लोड ऑपरेशन के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट कितने यूनिट्स होंगे पावर प्लांट में इसके हिसाब से टरबाइन,
कैविटेशन के हिसाब से टरबाइन सेलेक्ट किया जाता है ना। टरबाइन का शाफ्ट का पोजीशन कैसा होना चाहिए, वर्टिकल, इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल, इसके हिसाब से टरबाइन सेलेक्ट किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है कॉस्ट, कॉस्ट के हिसाब से भी हम अलग अलग टरबाइन को सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास जिस तरीके से फैसिलिटी अवेलेबल है या वहाँ पे जो भी क्राइटेरिया हो उसको ध्यान में रखते हुए हम टरबाइन के प्रकार को सेलेक्ट करते हैं किसी भी पर्पस के लिए। तो स्पेसिफिक स्पीड के बेसिस पे हम कैसे टरबाइन का चयन करें, तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड या विशिष्ट गति के आधार पर तीन तरीके के टरबाइन होता है। एक होता है हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, उच्च विशिष्ट गति वाले टरबाइन, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, मध्यम विशिष्ट गति वाले टरबाइन, और तीसरा है कम विशिष्ट गति वाले टरबाइन। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि इसमें उच्च स्पेसिफिक स्पीड में हम बात करें तो उच्च स्पेसिफिक स्पीड वाले जो टरबाइन होते हैं उसमें स्पेसिफिक स्पीड का वैल्यू 250 से 850 के बीच में होता है। जैसे कि कैपलान टरबाइन क्या है, उच्च स्पेसिफिक स्पीड वाले टरबाइन है। और मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन में जो स्पेसिफिक स्पीड का वैल्यू रहता है 50 से 250 के बीच रहता है। जैसे फ्रांसिस टरबाइन क्या है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड वाले टरबाइन है। और लो स्पेसिफिक स्पीड वाले टरबाइन का जो स्पेसिफिक स्पीड का वैल्यू होता है वो 0 से 50 होता है, 0 से 50 होता है। जैसे कि पेल्टन व्हील टरबाइन क्या है, लो स्पेसिफिक स्पीड वाले टरबाइन है। इस तरीके से हम विशिष्ट गति के आधार पर टरबाइन का सिलेक्शन करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।